अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं सिर्फ तीन चीज़ों से बनाने घर पर मिठाई। आप घर पे बनाएंगे तो खाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्केट से नहीं लाए हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो आपका तमन्ना की रसोई में स्वागत है। तो हमने ले लिया है एक कढ़ाई और एक कटोरी भर के मैदा। इसका हम कच्चापन निकाल लेंगे। हल्का हल्का हमें इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का से ही हमें इसका कच्चापन निकालना है कि कच्चापन इसका ना आए खाने में। देखिए हमारा भूनना शुरू हो गया है। ये हमारा बन के देखिए कच्चापन इसका निकल गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और हमने ले लिया एक पतीली और हमने डाल दिया एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी और इसे हम पका लेते हैं। इसे हमें एक तार की चासीनी बनाना है। जब तक हमारी चासीनी पक रही है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2 चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया है। आप चाहे तो बाद में भी घी डाल सकते हैं, हम अभी भी डाल लें। घी हमारी जमी हुई थी, आप इसे पिघला के भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे चासनी में झाग आ रहे हैं। हमें इसे एक तार की चासीनी बनाना है। आपको अंगुली और अंगूठे के बीच में चेक करके देख लेना है। ये देखिए ऐसे ही चासीनी बनाना है। ये देखिए हाथ और अंगुलियों के बीच में ऐसे करके देख लीजिए, चिपचिपा हो जाए तो बस इसे तैयार हो गया है। तो हमने जितना मैदा लिया था उतना ही हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, कोई लम्स ना रह जाए। एकदम आराम आराम से गैस का फ्लेम चाहे लो कर दे चाहे आप बंद कर दे, एकदम धीरे धीरे मिक्स करते रहिए अच्छे से, कोई लम्स ना रहे इसमें। ये देखिए हमने कितने अच्छे से इसे मिक्स किया। ऐसे ही आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप, ये हमारी पतीली बहुत छोटी थी इसलिए हम कढ़ाई में इसे डाल दे रहे हैं और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। और ये हमने थोड़ा इसमें दूध डाल दिया है जो हमारे पतीले में लगा हुआ था, चासीनी और मिल्क पाउडर, इसलिए हमने उसमें थोड़ा दूध डाल के मिक्स कर देते हैं इसमें। और इलायची पाउडर हम 1 चम्मच डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हमें डो बना लेना है चला चला के। ये हमारी वो ना हो पाए, कड़क नहीं चासीनी हो जाएगा, पूरी ये टाइट हो जाएगी। देखिए ज़्यादा हमें इसका डो टाइट नहीं करना है, मुलायम ही सॉफ्ट ही रखना है। ऐसे ही इसे चलाते रहे, बस हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। हम इसे कलरिंग वाली मिठाइयाँ बना रहे हैं तो हम इसे थोड़ा सा निकाल के इसमें पिंक कलर डाल देते हैं। आपको जो डालना है वो कलर डाल सकते हैं। तो हमने थैली में थोड़ा सा घी लगा लिया है। ये हमने थैली में तेल और घी लगा लिया था। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे थोड़ा। ये देखिए कितना मुलायम और सॉफ्ट है। थोड़ा ऐसे ही हाथों से मैश करने के बाद हम इसे थोड़ा गोल बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। ये देखिए ऐसे हाथों से आप कर लीजिए। उसके बाद आप एक बेलन लीजिए और बेलन से भी थोड़ा इसे बेल लीजिए। ये देखिए ऐसे ऐसे ही आपको हल्के हाथों से, एकदम जोर का ताकत नहीं लगाना है। बस हो गया है हमारा। अब हमने जो पिंक कलर लगा के रखा था इसके अंदर धीरे धीरे डाल के मोर फोल्ड कर देंगे इसे। ये देखिए ऐसे ही ऐसे हाथों से हमें घुमाना है और थैली में रख के ऐसे ही हमें इसे फोल्ड कर देना है। और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसको 2 हिस्से में कर देते हैं। आपको जिस शेप में काटना है आप उस शेप में काट सकते हैं। हम रोल वाला बना रहे हैं तो ये देखिए हमने इसमें चांदी का वर्क लगा दिया है। आपके पास है तो लगाए, नहीं है तो इसे आप नहीं भी लगा सकते हैं। ये हम इसे काट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। बीच में हमने जो डाला था पिंक कलर एकदम अच्छे से दिख रहा है। और इसी तरह हम सब काट के प्लेट में सजा देते हैं और थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं। जो है आपके पास आप डाल दीजिए, काजू पिस्ता बादाम। हमने काजू पिस्ते से गार्निश कर दिया है। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।